इस वक्त की खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां रिश्वत लेते एसीपी का पेशकार पकड़ा गया है। कानपुर में एसीपी बाबू पुरवा का पेशकार गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस टीम ने पेशकार को गिरफ्तार किया है। एक बार फिर से बता दें कि कानपुर में रिश्वत लेते एसीपी का पेशकार पकड़ा गया है। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता शुभम के साथ। जी शुभम, किस मामले में ये जो पेशकार है वो गिरफ्तार किया गया है? जी आपको बता दें मैम कि कानपुर एसपी बाबू पुरवा का पेशकार थे और एससी एसटी के मामले में इन्होंने 20,000 की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत विजिलेंस टीम पीड़ित द्वारा विजिलेंस टीम पर शिकायत की गई थी। शिकायत के दौरान मामले पर विजिलेंस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल पे मौके पर कैद जो जी मौके पर कैद पकड़ा पेशकार के जेब पर मौके पर पकड़ा। जी शुभम, विजिलेंस टीम अब पेशकार पर क्या कार्रवाई कर रही है? ये आपको बता दें, विजिलेंस टीम ने मौके पर पकड़ा है और पकड़कर उन्हें ले गए। जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई की जाएगी उस तरीके से विजिलेंस टीम अपनी कार्रवाई करेगी। साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से ये 20,000 की घूस की मांग की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं गरीब पीड़ित परिवार से बाबूपुरवा थाना क्षेत्र की पीड़ित महिला थी, उन्होंने विजिलेंस टीम से शिकायत की थी। शिकायत पूर्व में बीते दिनों में शिकायत हुई थी, प्रार्थना पत्र पीड़ित महिला ने दिया था। पीड़ित महिला द्वारा प्रार्थना पत्र देने के बाद आज जब पेशकार बाबूपुरवा एसपी के ऑफिस पहुंचकर पेशकार को सामने पैसा दिया, वैसे तुरंत विजिलेंस टीम मौके पर पहुंचकर पेशकार को रंगे हाथ पकड़ा। जो एसीपी का पेशकार है, क्या उसने अपने पक्ष में कोई बात कही है? क्या उसने अपने लिए कुछ बोला है? उसका कोई बयान आया है क्या? जी बिल्कुल नहीं, उसने सीधा ये बात कही कि ये हमारा कोई मतलब घूस नहीं, ये हमारा लेन देन था पुराना। पर जो पीड़ित पक्ष का साफ कहना है कि इन्होंने एस टी एस के मामले में इन्होंने जांच को लेकर 20,000 की घूस मांगी थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका जानकारी देने के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि रिश्वत लेते एसीपी का पेशकार पकड़ा गया है। कानपुर में एसीपी बाबू पुरवा का पेशकार गिरफ्तार किया गया। एससी एसटी के मामले में जो पेशकार है उसने घूस मांगी थी, इसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस टीम को की। विजिलेंस टीम ने पेशकार को गिरफ्तार किया है। अब आगे की कार्यवाही की जा रही है।